हमारे साथ सुजीत झा जुड़ रहे हैं। सुजीत, आपके साथ प्रशांत किशोर हैं। पूछिए, बहुत लोग मान रहे हैं कि उनका भी दिमाग लगा है इस खेला में। बिल्कुल अंजना, हमारे साथ प्रशांत किशोर हैं, पहले रणनीतिकार थे, अब राजनीतिज्ञ भी हो गए, राजनीति कर रहे हैं बिहार में। अभी जो बदलाव हुआ है, जो एनडीए छोड़ के नीतीश कुमार महागठबंधन में है, आपका कितना योगदान है इसमें? नहीं, मेरा क्या योगदान होगा, मेरा कोई योगदान नहीं है, ना मेरी कोई भूमिका है, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि मेरी कोई भूमिका हो उसमें। तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस बदलाव को, किस रूप में आप देखते हैं, जो जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार हर बार जिस गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं उसको छोड़कर दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं? नहीं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि 2012-13 से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ है, ये उसी की कड़ी में एक और अध्याय है। अगर आपके दर्शकों को याद होगा, 2012-13 से 10 और आज तक 10 सालों में ये 6वीं सरकार है। उसमें एक ही चीज कॉन्स्टेंट है, सब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, और दूसरा कॉन्स्टेंट यह है कि बिहार की बदहाल स्थिति बनी हुई है। बाकी जो फॉर्मेशंस हैं वो अलग अलग फॉर्मेशंस लोगों ने ट्राई करे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सरकार बन रही है उसको शुभकामना है, वो अच्छा काम करे, जो जनता की जो परेशानी है उसको दूर करे। लेकिन आप बिहार में महागठबंधन जब बन रहा था तो आप उसके एक स्तंभ हुआ करते थे, आज फिर महागठबंधन है, तो आपको क्या लगता है कि बीच में जो नीतीश कुमार छोड़ के गए महागठबंधन, एनडीए में चले गए, वो गलती थी उनकी? देखिए, गलती सही तो जनता को तय करना है, अगर गलत होता तो फिर वो जीत कर कैसे आते। लेकिन स्वाभाविक है, जो महागठबंधन 2015 में बना था वो एक दूसरा उसका परिपेक्ष था, क्या अंतर था? उस समय चूंकि ये 2013 में जदयू नीतीश जी मोदी जी से निकलकर बाहर आए थे और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी के ऑल्टरनेटिव के तौर पे, भाजपा के ऑल्टरनेटिव के तौर पे। आज वो व्यवस्था नहीं, आज कोई महागठबंधन और नीतीश नहीं दिखते आपको? नहीं, मतलब अरे महागठबंधन और नीतीश जी मिलकर कोई चुनाव तो लड़े नहीं है, चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में हुआ है, जीतकर एनडीए आई है। अब आप फॉर्मेशन मिडवे बदल रहे हैं तो देखिए क्या होता है। ये तो गवर्नेंस का एक मॉडल है, इसमें कोई चुनावी राजनीति तो शामिल नहीं है, कहीं वोट तो हुआ नहीं है इसके लिए। तो आपको क्या लगता है क्या वजह, इसमें भी आकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, महागठबंधन में भी बन रहे हैं, एनडीए में भी बने हुए हैं, अंतर क्या? पिछले मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, पिछले 10 साल में ये 6वीं सरकार है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश जी बनने जा रहे हैं, अंतर मुख्यमंत्री में नहीं आया है, अंतर सरकार के काम करने के तरीके में भी नहीं आया है, और जनता की जो स्थिति है नीचे, जो बिहार की स्थिति है, उसमें भी कोई अंतर नहीं आया है, वो दुखद बात है। लेकिन आज वो आए हैं, कल उन्होंने शायद कहा है, मैंने सुना कि एक नई अध्याय की शुरुआत है, तो देखिए कि नए अध्याय में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। अगर इससे जनता की समस्याओं का समाधान होता है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्या समाधान, 6 बार में तो क्या हुआ है, तो 6वीं बार में क्या होगा? अरे ये बात तो आप उनसे पूछिए कि क्या होगा। लेकिन हम देखिए, जब कोई सरकार बन रही है तो आपकी अपेक्षा तो यही होगी, दो सवाल मेरे हैं उनसे जरूर पूछिए, ये देखने वाली बात होगी कि नई सरकार पे शराबबंदी पर क्या स्थिति होती है, क्योंकि अभी तक आरजेडी जो विपक्ष में थी वो तो शराबबंदी की आलोचना कर रहे थे, तो अब वो सरकार में है तो क्या करते हैं। तेजस्वी जी ने बताया है कि वो जैसे ही सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, अब वो सरकार में है तो देखिए कि उस पर कल नीतीश कुमार 5 लाख भी तो कम से कम देना चाहिए। भाई 5 लाख दें, 10 लाख दें, मतलब वो एजेंडे में अंजना एक सवाल कर रही है, बोलिए अंजना क्या सवाल है आपका? हेलो, एक सवाल ये है कि नीतीश कुमार को ये बहुत करीब से जानते हैं, उनके एनालिसिस पर ये क्या कहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से वो हर बार सबसे छोटी तो नहीं लेकिन बहुमत अपने बल पर नहीं लाते हैं, लेकिन गठबंधन करके कभी 77 का लड्डू खा लेते हैं, कभी 79 का लड्डू खाते हैं, वो कौन सा हुनर है नीतीश कुमार का? बिल्कुल अच्छा, ये आप तो नीतीश कुमार को काफी नजदीक से जानते हैं। उनमें ऐसा क्या हुनर है कि वो उनका सीटें कम होती है लेकिन सरकार हमेशा वही, मुख्यमंत्री हमेशा वही बनते हैं, क्या उनमें क्या खासियत क्या है? देखिए, ये कल से मैं चर्चा सुन रहा हूँ और जनरली ये लोग बताते हैं कि उनकी ताकत इतनी है कि कुछ भी हो जाए वो मुख्यमंत्री रहते हैं। ये कभी कभी संभावनाओं की भी बात है, अगर आप उनकी पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका उनको नुकसान नहीं हुआ है। जदयू यहाँ 115 एमएलए की पार्टी होती थी, 2015 आते आते आप 72 एमएलए की पार्टी बन गए, अभी आप 43 एमएलए की पार्टी हैं, तो
तो ऐसा नहीं है कि वो गिरावट नहीं आ रही है। जो जो विश्वसनीयता की बात हो रही है या जो सुशासन में जो कॉम्प्रोमाइज की बात है उसका असर है और वो इलेक्टोरली भी दिख रहा है। अब ये अलग बात है कि किसी भी तरह वो फॉर्मेशन में आ पा रहे हैं, लेकिन जो कल मैं कमेंट्री कुछ टीवी वगैरह पे सुन रहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश कुमार को ही जनता वोट कर रही है, जनता वोट उस हिसाब से नहीं कर रही है। आप उनके उनके अपने दल की स्थिति देखेंगे तो 117-18 एमएलए की पार्टी से आज 40 एमएलए की पार्टी है, वो कोई ग्रोथ नहीं दिखाता है। और इन विषयों पे जो आप लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा कि नहीं विश्वसनीय, बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। अगर आप बार बार चुनाव किसी दूसरे फॉर्मेशन में लड़ते हैं सरकार तो दूसरा नेता रहता तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन नीतीश कुमार उन पर भी पड़ रहा है, उन पर भी पड़ रहा है, नीतीश कुमार जी पर भी पड़ रहा है और उनको और आपको हमको सबको ये पता है कि उनकी स्थिति पर भी पड़ रहा है। आप यहाँ पत्रकारिता इतने सालों से कर रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति जो 2010 में थी और आज 2022 उनका स्ट्राइक रेट तो गिरा है, इस बात में दम है। 2010 में जो 80-83 के करीब उनका स्ट्राइक रेट था वो लगातार उसके बाद गिरते रहा है। अगला सवाल उनसे पूछिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता की तरफ से भी वो काम करते हैं, क्या थर्ड फ्रंट की तरफ से यूपीए की तरफ से नीतीश कुमार को, क्योंकि जब से यह घटनाक्रम यहां पर हुआ है तमाम नीतीश कुमार के करीबी अब उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार मान रहे हैं, इस पर पीके की क्या राय है? देखिए आप पीके, आप नीतीश कुमार के साथ भी काम किए हैं, ममता बनर्जी के साथ भी काम किए, तो वो जो थर्ड फ्रंट के एक चेहरे की बात हो रही है, नीतीश कुमार मुझे लगता है कि महागठबंधन भी इसी ख्याल से गए होंगे, इसी महत्वाकांक्षा से गए होंगे कि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो देश का प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कम से कम बने। तो आपको क्या लगता है कितनी संभावना है? देखिए पहली बात तो मैं नीतीश कुमार के मन को सेकंड गेस करने का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मुझे बाहर से जो बात थोड़ी बहुत समझ में आती है, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर और इस तरह का, ये बिहार स्पेसिफिक प्रयोजन मुझे दिखता है। बिहार में जब से वो बीजेपी के साथ गए थे तब से वो जो कंफर्ट जो ओरिजिनली होता था बीजेपी और नीतीश कुमार में, वो इस दौरान 2017 से 22 के बीच में नहीं दिखा। इट वाज अपीयरिंग एज इफ किसी तरह साथ में हैं, तो वो एक सीमा है कि जो चीज से आप कंफर्टेबल नहीं है उसको कितने दिन तक ढो सकते हैं, उससे निकल गए हैं। और अब इससे कोई बिहार के आगे की राजनीतिक संभावनाओं में क्या होगा, क्या अच्छा होगा, बुरा होगा, उस तरह की बात की जो लोग भी ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये प्रीमेच्योर है, बेमानी है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर और उसके तहत बिहार में ये कदम उठाया होगा। बिहार का ये कदम मुझे ऐसा लगता है कि बिहार स्पेसिफिक है, बिहार में अपनी सत्ता बनी रहे, वो सीएम बने रहे और एक बेहतर प्रयास कर पाए, इसी सोच से बनाया होगा उन्होंने। ये तो लगता है ना, आप 15 में आपने देखा होगा, आप कह रहे थे उस समय एक चेहरा थे नीतीश कुमार। नहीं मैं आपको इसीलिए मैंने शुरू में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाले पूरे देश में नीतीश कुमार पहला है कि नहीं? पहली बात कि मेरा ये काम नहीं है कि कौन नरेंद्र मोदी को चुनौती दे, ये बताना मेरा काम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि 15 का महागठबंधन और आज जो बन रहा है दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 15 का महागठबंधन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों पहलुओं के हिसाब से था, ये जो है ये मोर और लेस प्रशासनिक पहलू से, एक गवर्नेंस के पहले से सरकार चलाने के नजरिए से प्रयोग किया जा रहा है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक सोच है ऐसा मुझे नहीं लगता है ना। मुझे ये लगता है कि अगर वो एनडीए में मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, तो अंतर क्या है? नहीं ये अगर उनको चेहरा नहीं बनना होता तो क्यों आते? इस तरह का सवाल तो मैं आपको पहले मूल में वो बात है कि पिछले 10 साल में ये 6वां प्रयोग वो कर रहे हैं, तो ये उनके मन का अंतर्द्वंद हो सकता है, उनका डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है और कॉम्बिनेशन ऑफ सब चीज हो सकता है। मैं कह नहीं सकता हूं कि एग्जैक्टली किस बात से उन्होंने किया, लेकिन मैं इस बात पर बहुत विश्वास से कह सकता हूं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई राष्ट्रीय रणनीति बनाकर उसके बाद उसका एपिसेंटर बिहार को बनाया गया है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में इसको नहीं देखता हूं, मैं इसको बिहार स्पेसिफिक देखता हूं, जिसका शायद नेशनल कोई इम्प्लीकेशन हो जाए, लेकिन आज की तारीख में तो कोई ऐसा इम्प्लीकेशन नहीं दिखता। आगे हो सकता है, हो जाए तो मैं, वो तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये ठीक है।